हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे सही सलामत सुरक्षित होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को जितने भी लाइक्स दिए और जितने भी कमेंट्स आए उसके लिए थैंक यू सो मच। और जो आपने जितने भी कमेंट्स उसमें डाले हैं सारे कमेंट्स इसी से रिलेटेड हैं कि आपने इंटीरियर कितने में कराया, कॉस्ट क्या है, क्या चीज़ें कहाँ से खरीदी, नोएडा में कौन सी जगह डेकोरेटिव आइटम्स के लिए कौन सी जगह पास में है, कहाँ से लेनी चाहिए, ये सारी चीजें मैंने वैसे भी मेंशन करी थी। सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में। और मैंने पहले भी बताया था कि ये सारी चीजें हमने खुद करी है और मेरे हस्बैंड ने सारी चीजें करी है। तो इस बार मैंने इस वीडियो में अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करा कि प्लीज एक बार हमारे जितने भी लोग हैं इंक्वायरी है उनकी सॉर्ट आउट करने के लिए आप प्लीज एक वीडियो को बनाएं और हम उनके साथ जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएं। तो अभी मुझे बताएंगे कि हम कहाँ से चीजें कैसे कैसे कलेक्ट करी, कैसे करें, ये हमारा टोटल इंटीरियर कितने में पड़ा। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया हमारा 2 से 3 लाख रुपीज में हमारा टोटल इंटीरियर हुआ है। तो हमने सारी जो भी चीजें वेंडर है हमने ये पास में शावेरी मार्केट है नोएडा के पास में ही है वहीं से ले आए, वहीं से फर्नीचर भी खरीदी, वहीं से हमने मिरर वर्क भी कराया। और ये डेकोरेटिव आइटम्स भी हम कुछ चीजें वहीं से खरीदी शावेरी से, कुछ चीजें हमने अमेजोन से लिया है। और बस सब आप बताओ। हेलो एवरीवन. सो यस, सो आई एम माय नेम इज नितेश. एंड सो बेसिकली ये जो हमारा घर है इसको मैंने ही, मतलब आइडियाज मेरे थे बेसिकली, और ऑफ कोर्स डिजाइनिंग भी मैंने ही सोची थी कि यहाँ पे ये चीज होगा, हाउ टू यूटिलाइज द स्पेस. बट ऑफ कोर्स हमने एक वेंडर और एक उसको हमने लिया था जिसने कि सारा एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जिसने कि हमारा सारा, जैसे मैंने उसको बताया उसने पूरा डिजाइन करा. फोटोज कुछ मैंने इंटरनेट से निकाली हैं, कुछ खुद के आइडियाज हैं. इंटरेस्ट होता है हर एक इंसान का, सो आई हैव इंटरेस्ट इन दिस कि कलर कॉम्बिनेशंस से लेकर, जैसे कि हमारे इस ड्राइंग रूम में हम देख रहे हैं लिविंग रूम में, तो इसमें मेरा एक्चुअली माय फेवरेट कलर इज ब्लू, सो इसलिए हमने पूरा थीम ही ब्लू रखा है. जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे एक वॉल आर्ट है तो वो हमारा ब्लू है, एंड हमारा सोफा है जो काउच है वो भी हमारा ब्लू ही है, देन कर्टेंस भी हमारे ब्लू हैं, देन हमारी फॉल सीलिंग आप देखे होंगे तो वो भी ब्लूइश कलर में है. और कम स्पेस में हमने यूटिलाइजेशन ऑफ ज्यादा से ज्यादा स्पेस को यूज कैसे करें वो हमने करा है. तो इसके पीछे बेसिकली आइडिया वही है कि आप हर एक चीज को पहले मेजर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग फ्रॉम हम आवर टीवी यूनिट, सो कुछ कुछ जो डिजाइनर्स होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर भी स्पेसिफिकली, या फिर जो कुछ कुछ इंटीरियर डिजाइनर नहीं होते हैं, कुछ वो कुछ ठेकेदार होते हैं जिनको हम बेसिकली, कह हाँ सकते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो डिजाइनर बन जाते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो आपका अमाउंट बढ़ाने के लिए, तो वो क्या करते हैं आपके किसी भी चीज का साइज मैक्सिमम कर देते हैं. जैसे कि हमारी, जहां हम ये सिटी में रहते हैं, तो यहीं पे ही बहुत सारे घर मैंने देखे हैं, बहुत सारे हाउस देखे हैं फ्रेंड्स के, कुछ मेरे फ्रेंड्स के, कुछ लोगों के, जो उन्होंने हमें विजिट कराए. दो तीन वेंडर्स थे जो जो दो तीन कॉन्ट्रेक्टर थे, उन्होंने हमें विजिट कराए. तो बेसिकली उन्होंने अननेसेसरी अननेसेसरी जो उनका टीवी यूनिट था उसको इतना बड़ा बना दिया जो यूजलेस था. टीवी यूनिट उसका नाम ही सिंबलाइज कर रहा है कि टीवी यूनिट, तो उसमें जैसे कि आप टीवी लगा रहे हो, थोड़ा बहुत आप शोपीस का आइटम ऊपर लगा रहे हो, कुछ नीचे आप स्टोरेज के लिए लगा रहे हो, दैट्स इट. बट यहाँ पे ए सिटी में काफी लोगों के मैंने देखा है टीवी यूनिट कि वो हाइट ऑलमोस्ट 10 फीट हाइट फ्रॉम मतलब बॉटम से लेकर और सीलिंग तक उन्होंने बना रखा है जो कि यूजलेस है. देन फ्रॉम स्टार्टिंग टू, जो कि ए सिटी में सबको पता ही होगा, तो दरवाजे से जैसे ही खोलते ही आप एंटर करेंगे जैसे ही, तो वहां से लेकर और पूरा जो वॉल है एक आपकी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर है, हम आपको बाद में दिखा भी सकते हैं, एक एक वॉल है, तो उस पूरी वॉल पे केवल एक टीवी यूनिट है जिसके हिसाब से. और टीवी टीवी हमेशा सोफे के सामने होना चाहिए. तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजों का मैंने ध्यान रखा कि टीवी यूनिट इतना बड़ा नहीं होना चाहिए हमारा टीवी के हिसाब बस से. यही सब चीज देखने की वजह से हमने सोचा कि हम अपना खुद ही इंटीरियर खुद ही करेंगे। तो इसलिए हमने सारे वेंडर्स खुद ही हायर करे, एक एक हर चीज के लिए हमने खुद ही वेंडर लिया। सो बैक टू द टीवी यूनिट. सो हमने एक टीवी यूनिट प्रॉपर एक साइज, और जितना हमारे पास टीवी है या जितना हम इन फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 50 इंच का टीवी लेंगे मैक्सिमम, तो वो उसको भी हम यूज, वो भी हमारे टीवी यूनिट में आ सकता है. तो उसके अकॉर्डिंग आप साइज बनाइए. फिर ए सिटी में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, हमारा पार्क फेसिंग है,
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है पार्क फेसिंग का आपसे जो बिल्डर है वो पीएलसी चार्ज करता है, जो ऑलमोस्ट पार्क फेसिंग का डिफरेंस, जो पार्क फेसिंग और नॉन पार्क फेसिंग का डिफरेंस ऑलमोस्ट 3 लाख to 4 लाख आता है। बट बिकॉज जो वेंडर जो ये है कॉन्ट्रेक्टर्स है, ये लोगों को लोगों के दिमाग में दिखा के कि देखिए सब ऐसे कर रहे हैं आप भी ऐसे कीजिए। हमने हमें भी कहा था बहुत सारे वेंडर्स जो हमारे कॉन्ट्रेक्टर्स ने, सॉरी वेंडर्स निकल रहा है, कॉन्ट्रेक्टर्स ने कि इस सिटी में 2 BHK में तो डाइनिंग टेबल तो आ ही नहीं सकता सर अंदर। मैंने कहा हम लेके आएंगे ना डाइनिंग टेबल, क्योंकि आप फालतू की चीजें यूज कर सकते। तो हमने तो डाइनिंग टेबल भी हमारे इसमें है, टीवी भी बहुत बड़ा इनफ है इसमें, 50 इंच का हम टीवी भी लगा सकते हैं, एलईडी भी लगा सकते हैं। प्लस हमने एक भी हमारे हमारे फ्लैट की एक भी बालकनी को हमने क्लोज नहीं कराया, क्योंकि हमारे पार्क फेसिंग है। हम अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के पूरे सिटी का व्यू ले सकते हैं, वेंटिलेशन है। दिन में अराउंड 6 o'clock तक हमारे घर में हमें लाइट जलाने की जरूरत ही नहीं है, इतनी मैक्सिमम रेज आती है सन की। सुबह मॉर्निंग की रेज हमारे रूम में आती है, मॉर्निंग की रेज हमारे लिविंग रूम में आती है। बट कुछ लोगों ने आई डोंट नो व्हाई व्हाट दे आर थिंकिंग बेसिकली वो सोचते नहीं है एक्चुअली। वो जो कॉन्ट्रेक्टर्स होते हैं वो उनको मैनिपुलेट कर देते हैं कि सर डाइनिंग टेबल आएगा ही नहीं, तो आप बालकनी को ओपन क्लोज करा के वहां पे डाइनिंग टेबल रखिए। बहुत सारे फ्लैट्स में वहां पे डाइनिंग टेबल रखा है जो कि यूजलेस है, आपने इतना पैसा दिया है तो वो यूजलेस है। देन एक मीन हमेशा मंदिर या पूजा घर आपका हमेशा ड्राइंग रूम में होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई बड़ा घर है तो उसमें लॉबी होती है उसमें होना चाहिए, जिससे कि आप इन फ्यूचर कोई आप कीर्तन रखते हैं कोई पूजा रखते हैं तो आप वहां पर ही सबकी गैदरिंग कर सके, वरना आप उसके लिए आपको स्पेशली एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने हमारा पूजा घर भी सेम यहीं पे बेस्ट लोकेशन है, फेसिंग भी बहुत अच्छी है, इसलिए हमने पूजा घर भी हमारा ड्राइंग रूम में ही रखा। देन हमारी किचन में, किचन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें बहुत स्पेस चाहिए होता है, बहुत आप जितना स्पेस आपको कम पड़े जितना आपको स्पेस बना लो आप उतना ही कम पड़ता है घरों में। तो हमने हमारी जो हमारी किचन है उसमें भी हमने क्रोकरी रूम भी बनाया, कोई हमें काफी मैंने इस सिटी में उन्होंने जो कॉन्ट्रेक्टर है उन्होंने हमें दिखाए फ्लैट, ड्राइंग रूम में ही क्रोकरी है, हमने हमारी क्रोकरी भी सेट हो गई है किचन में ही एंड बहुत ही अट्रैक्टिव है वो भी। मैंने ही सोचा था कि बोथ साइड मिरर होना चाहिए लाइट के साथ, इट लुक गुड। एंड सीलिंग ऑल्सो सीलिंग की, क्योंकि बिकॉज सीलिंग की हाइट भी कम होती है तो फॉल सीलिंग भी फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपकी सीलिंग हाइट ऑलमोस्ट 12 हो या तो फिर ठीक है आप सीलिंग फॉल सीलिंग बनाइए। लेकिन हमने इसलिए ड्राइंग रूम अट्रैक्टिव करना था हमें, तो इसलिए हमने ड्राइंग रूम में ही फॉल सीलिंग करवाया है। बेडरूम्स में हमने नहीं कराया क्योंकि ऑलरेडी वहां पे हमारे वो होता है बेड होते हैं जिनकी हाइट बहुत होती है और फॉल सीलिंग ऊपर से नीचे आ जाएगा, बेड नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो बहुत कम स्पेस बचती है जो कि ब्रीदिंग स्पेस होनी चाहिए। बेसिकली जब भी आप घर डिजाइन करें या सोचें तो हमेशा ब्रीदिंग स्पेस लाएं कि सांस लेने की जगह है यहाँ पे, ब्रीदिंग स्पेस है, आप बैठे हैं ड्राइंग रूम में तो आपको स्पेस लग रहा है, आप अपने बेडरूम में बैठे हो तो स्पेस आपके फीलिंग आ रहा है कि आपको वहां चीजें थोड़ा गैप में है। ये तो अगर सीलिंग हाइट कम है तो हमें फॉल सीलिंग नहीं करानी चाहिए ना, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट लगता है। यस, कंजेस्टेड। वही कुछ चीजें हैं हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए हम इंटीरियर कराते हैं। फर्स्ट चीज है जो मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट पे ध्यान देना चाहिए कि हर चीजें हमें मेजर करके रखनी चाहिए, क्योंकि ये फ्लैट है घर तो है नहीं, तो हमें सोफा का कितना मेजर, सोफा को कितना हमें कहाँ रखना, पहले प्लेसमेंट पे भी हमें ज्यादातर ध्यान है। यस, फर्स्ट चीजें हमें प्लेसमेंट पे हमें ध्यान देना है कि क्या चीजें कहाँ पे रखनी है, फिर हमें मेजरमेंट पे ध्यान देनी है कि हम अगर हमारा सोफा है तो इसकी क्या हाइट होगी, क्या ब्रेथ होगी, हमें फिर डाइनिंग टेबल है उसको कहाँ पे रखना, उसकी क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें हमें yes, ध्यान right, right. है। तो वही जैसे कि दीप्ति ने बोला कि आप सबसे पहले अपने माइंड में आप सोचिए ना कि आपको सोफा चाहिए एल शेप चाहिए तो अच्छा, तो आप वेंडर्स आपको हमने शाबेरी से लिया था, वेंडर को बुला लिया यहीं पे, वो सीधा साइज नापा इतने बाय इतना का साइज और वो उन्होंने बना के खुद यहाँ डिलीवर कर दिया एंड वेरी मिनिमम प्राइस, जो कि आप जाके पता कर सकते हैं, 4-5 वेंडर्स पे जाइए सब अच्छा है और अराउंड 5 to 6-7 years चल जाएगा, बहुत अच्छा, उतना चल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आप इसको इन फ्यूचर से 5-6-7 years में आप इनके कलर भी चेंज करा सकते, ऊपर का कपड़ा इनका चेंज भी हो जाता है, आप लेदर मटीरियल कुछ भी लगा सकते हैं वहां पे, दे आर रेडी टू मेड, हैंडमेड होता है। देन काफी लोगों ने हमसे पूछा हमने अपने ड्राइंग रूम में मिरर क्यों लगवाया, तो ये बहुत लोगों ने पूछा कि क्यों लगाया, इसी जगह हम कुछ और भी लगा सकते हैं। यस डेफिनेटली हम कुछ और भी, बट बेसिकली क्योंकि हमारा 2 BHK है और
तो मिरर हम क्यों लगाते हैं? बिकॉज मिरर लगाने से घर थोड़ा बड़ा लगता है, इट फील कि बड़ा है। जब हम ड्राइंग रूम अपने डाइनिंग टेबल बैठते हैं तो हमें हमारी रिफ्लेक्शन दिखती है, प्लस पीछे की सारी रिफ्लेक्शन मिरर में दिखती है, जिससे कि हमें घर थोड़ा बड़ा फील होता है, इसलिए मिरर लगाया जाता है। आप देखेंगे बड़े बड़े होटल्स में, आप देख सकते हैं होटल्स में बहुत सारे मिरर्स लगाए जाते हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारी रेस्टोरेंट्स में लगाए जाते हैं मिरर्स, ऊपर भी मिरर लगाए जाते हैं, कुछ कुछ वॉल्स पे भी लगाए जाते हैं। वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि कस्टमर को जो वहां बैठ रहा है उसको फील थोड़ा बड़ा लगे कि ओके द स्पेस इज वेरी बिग, जो कि होती नहीं है, लेकिन वो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट डालने के लिए इसलिए मिरर वर्क को हमने लगाया। ये मिरर भी हमने शावेरी से ही लगवाया था। तो बेसिकली आपको शावेरी मार्केट जाना है, वहां पे आपको हर चीजें मिल जाएंगी, डेकोरेटिव आइटम्स, मिरर वर्क, फर्नीचर, सब चीजें आपको शावेरी आप, मार्केट हाँ, में। चार पांच वेंडर से पूछिए, फिर नेगोशिएशंस करिए। और अगर आप खुद एफर्ट करेंगे थोड़ा सा, तो आपका कम बजट में आपका घर बहुत अच्छा इंटीरियर डिजाइन खुद ही आप कर सकते हैं। एंड लाइट्स ऑल्सो, एंड यस, लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप किसी भी चीज की, चाहे आप कोई भी बड़ी से बड़ी चीज उठा लीजिए, चाहे आप वर्ल्ड की वेल नोन वर्ल्ड वंडर्स उठा लीजिए, आईफिल टावर है, उसकी लाइट्स जलती हैं तो वो अट्रैक्टिव लगता है, वरना फिर वो नॉर्मल एक कंक्रीट और एक स्टील का एक मेड वंडर है। चाहे आप कोई भी चीज उठा ली, तो सेम हमारे घर में भी हमने लाइटिंग पे बहुत इफेक्ट करा, और लाइटिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा हम, लाइटिंग हमने ओरिजिनल कंपनी फिलिप्स की ही एलईडी स्ट्रिप्स लगाई हैं, फिलिप्स की ही हमने सारी फॉल सीलिंग्स की लाइट्स लगाई हैं, क्योंकि उनकी वारंटी होती है बहुत अच्छी 2 ईयर्स की, सो 2 to 3 ईयर्स की, जो कि बहुत अच्छा है। 2 to 3 अगर आपकी चल रही है, क्योंकि मैक्सी फिलिप्स की है तो बहुत अच्छा ही चल जाती है। और लाइट्स हमने इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपको येलो लाइट लगानी है, ब्लू लगानी है, या फिर व्हाइट ही रखनी है। तो हमने सोचा, एक्चुअली ब्लू तो हम थीम ले रहे थे, इसलिए हमने येलो ही लगाई, एक्चुअली स्टैंडर्ड येलो ही होता है। एक्चुअली अब शाम को जब यहाँ पे हम बैठते हैं और बालकनी अपनी सारी ओपन कर देते हैं, शाम को सूरज झल रहा होता है और रात आ रही होती है, और हम ये अपनी फॉल्स सीलिंग की येलो वाली जो लाइट लगाते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा है, एक माहौल माहौल बनता है। क्रिएट हो बेसिकली जाता है। विल हाँ, विल पार्टी सम टाइम, विल ड्रिंक कॉफी, विल हम चाय पीते हैं बैठ के, तो सो बट बेसिकली अब हमें तीन चीजें हो गई हमारे सामने, कि हमें पहले प्लेसमेंट पे ध्यान रखनी है, फिर मेजरमेंट पे, फिर लाइटनिंग पे, फिर हमारी चौथी चीज है कि हमें कलर, कि हम जो भी हम कलर चूज कर रहे हैं घर का, लाइट कलर, डार्क कलर, जो वार्डरोब का कलर हम ले रहे हैं, ये सारी चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान रखना है। हम बेसिकली में लाइट कलर ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि डार्क कलर हम घरों में नहीं प्रिफर करना चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है ये डार्क कलर से। मतलब मेरे पेरेंट्स कहते हैं गुस्सा ज्यादा आता है, आई डोंट नो, बट हम ज्यादा मतलब लाइट कलर प्रिफर करना चाहिए। यस जो वेंडर्स होंगे आपको बहुत सारे सजेशंस देंगे, जो कि मेरे को एक भी अच्छा नहीं लगा यहाँ पे एसी टीम, बहुत सारे जो वेंडर्स हैं उन्होंने दिखाया, जो कॉन्ट्रेक्टर्स हैं, हमारे किचन में भी बहुत ज्यादा है कि ऑरेंज यूज कीजिए, ये यूज कीजिए, आई डोंट लाइक, मतलब आपकी चॉइस है, बट हमें लगा कि थोड़ा सूदिंग होना चाहिए, व्हाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन। नीचे भी आप अगर किचन देखेंगे तो नीचे हमने पूरा ब्लू है, ऊपर पूरा व्हाइट है, थोड़ा यहाँ पर हम बैठते हैं तो फीलिंग आता है, एटलीस्ट सो फील पॉजिटिव, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, सूदिंग फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और बाकी हमने मिरर में भी हमने एक आपने देखा होगा, एक मोरक्कन स्टाइल हमने एक लाइटिंग लगाई है, 3 मोरक्कन स्टाइल लाइट्स, वो भी बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि वो भी उसकी रिफ्लेक्शन आती है जब उसको लाइट जलती है, जब हम डाइनिंग करते हैं, एक्चुअली जब हम स्पेशली किसी दिन स्पेशल डिनर हम करते हैं अपने घर पे ही, जो कि सैटरडेज को पार्टी करते हैं या डिनर करते हैं, तो हम वो लाइट को जलाते हैं, तो उससे भी एक अलग एम्बियंस आता है, वील फील लाइक वी आर इन सम गुड होटल और इन रेस्टोरेंट, जिसमें एक स्पेशल लाइट जल रही है, उसकी पूरे हमारे रूम पे एक पूरे डाइनिंग एरिया जो हमारा पूरा लिविंग रूम है उस पर पूरा उसकी स्प्रेड होती है लाइट। अभी आपको मैं नहीं दिखूंगा, लेकिन ये लाइट है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। फिर अगर आप घर इंटीरियर कराने जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ बेसिकली 4 से 5 पॉइंट्स पे ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, हमें घर की प्लेसमेंट पे क्या चीजें कहाँ पे रखनी है। सेकंड, हमें मेजरमेंट पे ध्यान रखना है। थर्ड, घर के जो भी लाइटिंग पे ध्यान रखना है, हमें लाइटिंग कैसी, ज्यादा से ज्यादा लाइटिंग का इफेक्ट बहुत पड़ता है घर पे, तो उस पर भी ज्यादा ध्यान रखना है हमें। फिर कलर, आप कलर कॉम्बिनेशन क्या ले रहे हो अपने घर का, अपने दीवारों पे क्या कलर करवा रहे हो, वार्डरोब किस कलर का कर रहे हो, इस पे भी ध्यान रखना है। उसके बाद फिर हम कर्टेन, डेकोरेटिव आइटम्स, इस पे हम फिर फोकस करेंगे। कर्टेन्स और वॉलपेपर्स, ये सारी चीजें हम फिर
किस तरह का आप दीवारों को कलर कर रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमें फिर डिसाइड करना होगा। और रही बात डेकोरेटिव आइटम्स, तो वो आपको कहीं भी मिल जाएंगी। हमने तो ज्यादातर शावेरी मार्केट से ली है, या तो फिर हमने अमेजोन से लिया है। और कुछ जो फ्लावर पॉट हैं या फिर कुछ चीजें और भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं, उसके लिए हम गुड़गांव गए थे। वो कौन सी जगह थी? हाँ, गुड़गांव में एक बंजारा मार्केट है, हम वहां से लेके आए थे। वहां पे बहुत सस्ते सस्ते चीजें मिल जाएंगी, तो वहां से वहां भी गए थे, कुछ वहां से भी कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लेके आए थे। तो आप वहां भी जा सकते हैं, बंजारा मार्केट। और अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है किसी चीज का, आप और हमसे इन्फॉर्मेशन, कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप प्लीज मुझे टेक्स्ट करिएगा। और मैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं आपको जितना भी हो सके उतना इन्फॉर्मेशन आपको। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।